नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। देश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा मामले मुंबई से निकल रहे हैं। मुंबई देश का कोरोना कैपिटल बन गया है और मुंबई शहर का एक इलाका है धारावी, जहां पर लगातार एक के बाद एक मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। धारावी में कोरोना बड़े पैमाने पर ना फैले, इसके लिए यहां पर एक मिशन चलाया जा रहा है। तो आइए आज हम जानते हैं क्या है मिशन धारावी। धारावी में कोरोना संक्रमण के 3 दर्जन के आसपास मामले आ चुके हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में कोरोना का फैलना इसलिए एक गंभीर मसला है क्योंकि धारावी एक बेहद घनी आबादी वाला इलाका है। यहां पर 2.1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में करीब 7.5 लाख लोग रहते हैं और धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाती है। मुंबई में जो 3 सबसे बड़े कोरोना पॉजिटिव मरीजों के हॉटस्पॉट हैं, उनमें से एक है धारावी, बाकी के 2 हॉटस्पॉट्स परेल इलाका है, इसके अलावा वर्ली का कोलीवाड़ा है, जहां से लगातार बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिल रहे हैं। और अब प्रशासन का पूरा फोकस जो है इन जैसे हॉटस्पॉट्स के ऊपर है। धारावी के बारे में प्रशासन की ये कोशिश है कि धारावी में रहने वाले सभी लोगों को स्क्रीन किया जाए, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता लगाया जाए और इनका इलाज शुरू करवाया जाए, इनको क्वारंटाइन किया जाए ताकि बड़े पैमाने पर इसका संक्रमण रोका जा सके। मिशन धारावी को अंजाम देने के लिए मुंबई महानगर पालिका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मदद ले रही है। निजी डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, सरकारी डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, महानगर पालिका के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और छोटी छोटी टीमें बनाई जा रही हैं। एक टीम में 5 लोग होंगे, जिनमें की 2 डॉक्टर होंगे, 1 नर्स होगी और साथ में मुंबई महानगर पालिका के 2 कर्मचारी होंगे। शुरुआत में ऐसी 10 टीमें बनाई जाएंगी और अलग अलग चरणों में जो है स्क्रीनिंग को अंजाम दिया जाएगा। पहले चरण में 50,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और इसमें 8 से 9 दिन का समय लग सकता है। इस टीम के सदस्य धारावी के भीतर जाएंगे, एक एक मोहल्ले में जाएंगे, एक एक गली में जाएंगे, एक एक घरों तक पहुंचेंगे और हर घर के हर सदस्य की स्क्रीनिंग की जाएगी। ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि क्या उसे बुखार तो नहीं है, किसी तरह का सर्दी खांसी जैसा कोरोना से जुड़ा हुआ सिम्टम तो नहीं है, और अगर उनमें कोई सिम्टम पाया जाता है तो फिर आगे के एडवांस टेस्ट कराए जाएंगे, कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा और आगे जाकर उनका इलाज कराया जाएगा। ये काम इतना आसान नहीं है। धारावी के भीतर कई छोटी छोटी पतली संकरी गलियां हैं, जिनके अगल बगल में छोटे छोटे झोपड़े हैं, घर हैं और इन कमरों में कई सारे लोग रहते हैं। एक कमरे में 5 से लेकर के 15 तक लोग रहते हैं। कई मजदूर हैं जो यहां पर, बहुत सारे जो टैनरीज हैं, जो कि चमड़ा के कारखाने हैं और दूसरे छोटे मोटे उद्योगों के कारखाने हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर यहां पर रहते हैं। कुछ अपने परिवारों के साथ रहते हैं, कुछ ऐसे ही रहते हैं। तो इन छोटे छोटे कमरों तक पहुंचना है, एक एक कमरे तक पहुँचने का टारगेट है। एक एक व्यक्ति जो इन घरों में रहता है उनको स्क्रीन करने का टारगेट है। धारावी की तरह ही मुंबई के जो दूसरे झुग्गी वाले इलाके हैं, जैसे कि वर्ली कोलीवाड़ा है, इसके अलावा जो परेल के इलाके हैं और दूसरे इलाके हैं, वडाला के कुछ इलाके हैं, वहां पर भी मुंबई महानगर पालिका कुछ इसी तरह की मुहिम चलाने जा रही है। एक एक घर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, एक एक शख्स तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। इसमें वक्त तो ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये किया जाना ज़रूरी है, भले ही ये बेहद चुनौतीपूर्ण हो। ABP News आपको रखे आगे।